देख सकते हैं कि वहां पे नियो की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अपने प्यारे से छोटे से नियो को नहलाने वाले हैं, तो देखिए कैसे सोया पड़ा हुआ है। ए भाई, उठ जा जल्दी से, देख सकते हैं इतना सुस्त है ये आदमी, सोया रहता है दिन भर। तो चलिए मैं इसे खींच के लिए चलता हूँ, देखिए उठ भी नहीं रहा है, इतना सोया हुआ है। इसे पता नहीं है अभी हम इसे कहाँ ले जाने वाले हैं नहाने के लिए, तो इसलिए ऐसा सोया पड़ा है। तो चलिए इसे हम जल्दी से बोलते हैं, नियो नियो, देखिए अब कैसे उठ गया। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं हम, अब तो हम आज इसे यहीं नहलाएंगे, क्योंकि हमारे जो गार्डन साइड है वो थोड़ा सा गंदा है, इस वजह से आज हम इसे यहीं नहलाने वाले हैं। ये जो हमारा छोटा सा आंगन है जहाँ पे हमारा मछली का टैंक भी है, आज ये वहाँ नहाने वाला है। तो देख सकते हैं ये कुछ ना कुछ करते ही रहता है दिन भर, और इसको सूसू इतनी ज़्यादा लगती है कि आप पूछ नहीं सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ भी सूसू करेगा, देखिए ये यहाँ पे प्रसाद दे देगा अपना। ये दिन भर ऐसे ही करता रहता है, घर पे ही सूसू करता है। तो ये देखिए आ चुका है नियो हमारे साथ, तो इसे नहलाएंगे, पॉकेट में बैठाएंगे, देखिए आ गया। तो ये भाग गया यहाँ से। तो नियो को शैम्पू हमने लगा दिया है और इसे हमने नहला भी दिया है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है यहाँ पे जाने का, क्योंकि ये बार बार देखिए यहाँ पे चढ़ रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इसे डाल दिया जाए, क्योंकि ये पानी भी साफ़ ही है और हमारा नियो भी साफ़ ही है। तो चलिए देख भी लेंगे कि नियो तैर पाता है कि नहीं, देख सकते हैं कितना मज़े कर रहा है। तो चलिए इसे डालते हैं इसके अंदर। लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे नियो की हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी, और यहाँ देखिए शेर बन रहा है। हमें लगता था कि सारे कुत्ते को स्विमिंग आती है, लेकिन हमारे नियो को नहीं आती है, ये हमें आज पता चल गया। तो इसलिए हम इसे ज़्यादा स्विमिंग नहीं कराएंगे। तो चलिए इसे टॉवल से सुखा लेते हैं, कितना गुस्सा कर रहा है नियो, देखिए कितना गुस्सा कर रहा है। चलिए इसे जल्दी से सुखाते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। देख सकते हैं नियो पूरा अच्छी तरीके से सूख चुका है, और ये हमने यहीं बिछा दिया। और दूसरी बार हम उससे पूछते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से भौंक रहा है। देख सकते हैं अब ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है, वैसे अभी भगाता हूँ, देखना नियो। देखिए ऐसा चिल्ला रहा है ये, इसका कोई भी टॉवल मत छीन लो ऐसा करके ये कह रहा है, ये देखिए। और इसके एक थोड़े से मज़े के लिए हमारा पूरा पानी गंदा हो गया, इसका पूरा बाल झड़ गया। मैं आपको पानी दिखाने वाला हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी देर से वहाँ घूम रहा था और कूदने का इसका कोशिश कर रहा था, लेकिन तैर तो पाया नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे कुत्ते तैर लेते हैं, लेकिन ये नहीं तैर पा रहा है, ये तो डर गया था बेचारा, इसलिए मैंने इसे छोड़ा भी नहीं था उस टाइम। एनियो भाई गधा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना टैंक कैसा हो चुका है, वो गंदा हो चुका है क्या हो चुका है। तो चलिए चलते हैं आपको लेके। ये देखिए हमारे पानी की हालत, उतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं हुआ है, जो ऊपर के उसके बाल देख सकते हैं नियो के, हमारे बहुत बाल झड़ते हैं जब नहाता है, तो ये बाल को तो हम क्लीन कर लेंगे और ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और इसमें मछली थी ही पहले से, देख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि नियो बहुत दिन से यहाँ बोल रहा था और बहुत यहाँ नाच रहा था बहुत ऊपर, आप देखी होंगे वीडियो में। तो मुझे लगा कि ये तैर सकता है, लेकिन वो गधा तैर ही नहीं पाया, इसलिए हमने उसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया तैरने के लिए। तो देख सकते हैं ये था टैंक का हालत ख़राब, इसको तो मैं ऊपर से जाली से ही निकाल लेंगे, हम तो इसे हम जाली से ही निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।